हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारु जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीपीएससी लर्नर्स। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिविटीज फॉर हिंदी दिवस, बेसिकली आइडियाज टू सेलिब्रेट हिंदी दिवस वर्चुअली। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी हैप्पी हिंदी दिवस टू ईच वन ऑफ यू। As you all know that Hindi is our mother tongue, right? So let's begin with the activities. First activity is poem recitation, or you can say kavita vachan. Kavita vachan में आप क्या करा सकते हो बच्चों से? आप बच्चों को different different topic दे सकते हो, या आप बच्चों को बोल सकते हो अपने according, जैसे उनका जो मन करे उस वो वाली वो कविता आपको सुना सकते हैं। यानी कि आप हिंदी पोम रेसिटेशन अपनी क्लास के अकॉर्डिंग करा सकते हो, ग्रेड के अकॉर्डिंग। लाइक बच्चा नर्सरी का है तो बच्चा हिंदी में अपनी क्लास के लेवल की पोएम बोलेगा, केजी का है तो केजी की पोएम बोलेगा, फर्स्ट का है तो फर्स्ट का, सेकंड का है तो सेकंड का। लेकिन ये जो सारी पोम्स बच्चा बोलेगा वो हिंदी में ही बोलेगा। आप हिंदी में ये पोम रेसिटेशन करा सकते हो। नेक्स्ट जो आपकी गतिविधि रहेगी वो रहेगी दोहा रेसिटेशन, यानी कि दोहा वाचन। दोहा वाचन में क्या है? बच्चा कबीर के दोहे, तुलसीदास के दोहे, ये वाले दोहे बच्चा नैरेट कर सकता है, बोल सकता है, रिसाइट कर सकता है। तो अब ये हम नर्सरी केजी के बच्चों को तो दोहा नहीं कराएंगे, ये आप क्लास वन से ले सकते हो, आगे अप टू क्लास एट्थ और ट्वेल्थ तक ले सकते हो आप, एट्थ और ट्वेल्थ। आगे बढ़ेंगे, सॉन्ग सिंगिंग। आप बच्चों से हिंदी के गाने गवा सकते हो, हिंदी के गाने, वो टिपिकल बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं, नॉर्मल, जैसे कि नानी तेरी मोरनी। तो आप यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा ना एंजॉय कर लेंगे। हिंदी में आप लोग अच्छे से नानी मोरनी वाला या फिर जो भी ऐसे सॉन्ग्स होते हैं हिंदी वाले, आप वो बच्चों से गवा सकते हो। आप खुद सिंग करोगे, बच्चे आपके साथ कर सकते हैं, या किसी बच्चे को आता है तो बच्चा सुना सकता है आपको, राइट? आगे बढ़ते हैं, स्पीच रेसिटेशन, यानी कि भाषण प्रतियोगिता। बच्चे हिंदी में भाषण दे सकते हैं, या तो हिंदी दिवस के ऊपर ही दे सकते हैं। हिंदी दिवस का मेरे चैनल पे भी एक स्पीच अपलोड हुई है, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर हिंदी दिवस पे नहीं देना है बच्चों को तो बच्चे इम्पॉर्टेंस ऑफ हिंदी, यानी कि मदर टंग, मातृभाषा के ऊपर दे सकते हैं स्पीच। नेक्स्ट है आपकी एक एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, यानी कि आप बच्चों को हर क्लास के अकॉर्डिंग एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन कंडक्ट करा सकते हो। ये क्लासेस के लिए रहेगा आपका थर्ड से, यानी कि फर्स्ट सेकेंड में आप नॉर्मल लाइन्स लिखवा सकते हो, जैसे मेरा विद्यालय, मेरा स्कूल, लेकिन थर्ड से आप प्रॉपर एक एसे, प्रॉपर जो हमारा पैराग्राफ होता है, अनुच्छेद जो होता है, वो प्रॉपर आप लिखवा सकते हो। तो अनुच्छेद का कॉम्पिटिशन, फिर आप बच्चे को फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें से अलग अलग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, स्लोगन राइटिंग। स्लोगन लिखवा सकते हो, आप बच्चों को कोई टॉपिक दे दो, या तो हिंदी पे ही दे दो कि हिंदी पे स्लोगन लिखने हैं, या भाषा पे स्लोगन लिखने हैं, या हमारे पर्यावरण पे लिखना है हमें स्लोगन। कोई भी आप एक ऐसा टॉपिक दे सकते हो जिसमें बच्चे हिंदी में आपको स्लोगन लिख के दिखाएं, कॉम्पिटिशन बेसिकली, एंड आप उसमें से पोजिशंस निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, एक क्विज कर सकते हो आप हिंदी स्टोरीज के ऊपर। स्टोरीज मैंने इसलिए बोला है कि अगर आपका बच्चा नर्सरी और केजी में है क्लास का, तो और आप नर्सरी केजी के टीचर हैं, तो आप नर्सरी केजी की स्टोरीज लो हिंदी वाली, और उन्हीं के ऊपर आप एक क्विज कर दो। लेकिन अगर आपका बच्चा फर्स्ट सेकेंड में है, आप उनकी क्लास की हिंदी की स्टोरीज लीजिए। सेम फॉर थर्ड फोर्थ, तो जो जिस क्लास का है उस क्लास की आप हिंदी की स्टोरीज ले सकते हो और उसमें क्विज कंडक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है ड्रामा और प्ले। ये आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको पहले से ही बच्चों को प्रिपेयर कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो आप बच्चों को ऑनलाइन ही प्रिपेयर कराओगे कोई भी स्किट। अब स्किट क्या मतलब, प्ले कैसे प्ले हो सकता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी या इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, मदर टंग की इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, इस टाइप से आप प्ले करवा सकते हो। ये ऑप्शनल एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी कंप्लीट द सेंटेंस, बेसिकली दिस इज अ गेम। ये गेम है,
आपने क्लास की रिकॉर्डिंग कराना है। सपोज मेरा क्लास का बच्चा, मतलब मैं केजी क्लास की टीचर हूँ और मैंने केजी में एक वो कराई है स्टोरी। एक कौवा प्यासा था, मैंने लाइन बोली एक कौवा प्यासा था। अब इसको आपको कंप्लीट करना है। आपने किसी बच्चे की टर्न लाई तो बच्चा उसका एक कंप्लीट करेगा, बोला कि घड़े में पानी थोड़ा था या एक कौवा प्यासा था, पानी ढूंढ रहा था। इस टाइप से बच्चे को लाइन पूरी करनी है। सेम फॉर द अदर क्लासेस एज वेल, कि आप इडियम्स कंप्लीट करा सकते हो, परिभाषा कंप्लीट करा सकते हो, कोई स्टोरी की लाइन कंप्लीट करा सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे वो क्लास में एक्टिविटी को मोल्ड अप कर रहे हो एज पर योर क्लास। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस, यू नो, हिंदी दिवस एक्टिविटी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए ये वीडियो और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। चलिए फिर मिलते हैं।